भाजपा के द्वारा हाट विधायक महेश नेगी पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा सरकार को घेर दिया है। वहीं विधायक महेश नेगी पर महिला द्वारा लगाए गए संगीन आरोप पर टिप्पणी करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस सरकार के मंत्री और अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं सुनते तो लोगों की समस्या क्या सुनेंगे। प्रकरण में जो एक आम इंसान के लिए मौलिक न्याय है, लोग उससे भी वंचित हैं। महिला अगर रिपोर्ट कर रही है तो उसकी FIR तो लिखी जा सकती है, जिससे लोगों को न्याय और कानून पर भरोसा बन जाता। उस प्रकरण में एक ही बात है कि आप महिला की FIR को दर्ज क्यों नहीं कर रहे, जो उसने कंप्लेन करके दर्ज क्यों नहीं कर रहे। ये कैसा न्याय है कि आप एक को जो है प्रारंभिक जो मौलिक न्याय है उससे भी वंचित कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर यहाँ उसको धरने पर बैठेंगे। वहीं इसी कड़ी में राज्य के मंत्रियों पर निशाना साधने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ी सलाह दी है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, हरीश रावत के भ्रष्टाचार का हाल प्रदेश ही नहीं देश के लोगों ने देखा। नैतिकता और भ्रष्टाचार के दुहाई देने वाले हरीश रावत का हाल जनता ने ये किया। मुख्यमंत्री रहते हुए वो दो दो सीटों से चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, सुबोध उनियाल ने कहा, हरीश रावत अब मानसिक रूप से शिथिल हो गए हैं, लिहाजा अब उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। आरोप लगाने वाले को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस व्यक्ति को पूरे देश ने देखा, जिसने कहा मंत्री बन जाओ 25 करोड़ 30 करोड़ लूट लो, मुख्यमंत्री आंखें बंद करके रखेगा, ऐसे व्यक्ति को इतने की बातें करना। प्रदेश की जनता विगत चुनाव में हरीश रावत की एक एक बात का जवाब दे चुकी है। देश का पहला मुख्यमंत्री है जो दो सीटों से चुनाव हारा। मैंने उनको सलाह भी दी है कि अब वो मानसिक रूप से भी सथरिया गए हैं, अब उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, जो उनके दिल। वहीं रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन कर द्वाराहाट विधायक पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा के ऐसे चरित्रहीन विधायक को अब तक पार्टी ने ना तो बर्खास्त किया है और ना ही उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ऐसे में अपने आप को स्वच्छ छवि की पार्टी कहने वाली भाजपा महिलाओं का यौन शोषण तो कर ही रही है, साथ ही महिलाओं की आवाज भी दबा रही है। उन्होंने कहा, अगर विधायक पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। जिला मुख्यालयों पे आज धरना देने का कार्यक्रम है। ताजा मामला द्वाराहाट के जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा एक महिला का शोषण कर दिया गया और उस महिला के साथ यौन शोषण हुआ है और वो महिला अपने शिकायत को लेकर के जगह जगह जा रही, पुलिस थानों में जा रही, कप्तान के पास जा रही, DM के पास जा रही, परंतु उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही और कोई भी उसकी जाँच इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि विधायक जी की पत्नी ने एक झूठा आरोप उस महिला पे लगाया है और उसकी जांच शुरू हो गई। ये कमाल की बात है कि भाजपा के विधायक के खिलाफ कोई बोले उसकी कोई जांच न हो और उनके लोग जो बोले उस पर तुरंत जांच हो जाए, तो ये दोहरा मापदंड भाजपा की सरकार का है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत इस पे विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सरकार से आरोपी विधायक महेश नेगी को बर्खास्त करने और मामले की CBI जांच कराने की मांग उठाई। देहरादून से कुलदीप रावत और रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।